हेलो एवरीवन, मैं हूं सुहेल और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लैब। तो दोस्तों, आईपीएल के फैंस के लिए एक बेहद ही बड़ी अपडेट है। जी हां दोस्तों, यह मेगा ऑक्शन से जुड़ा हुआ है, उसका डेट से जुड़ा हुआ है, रिटेंशन पॉलिसी से जुड़ा हुआ है और वेन्यू से जुड़ा हुआ है मेगा ऑक्शन का। तो इसी के बारे में पूरे डिटेल से बात करेंगे कि क्या खबर है टाटा आईपीएल 25 के मेगा ऑक्शन से। लेकिन इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बता दें कि हम आईपीएल से जुड़ी एक छोटी बड़ी अपडेट लाते रहते हैं। तो दोस्तों, बात करें टाटा आईपीएल 25 के मेगा ऑक्शन के बारे में, तो दोस्तों बता दें कि इसके लेकर अभी से हाइप बन चुका है, क्योंकि बता दें कि सभी टीमों में हलचल मची हुई है कि कौन से खिलाड़ी को रिटेन किया जाए, कौन से खिलाड़ी को रिलीज किया जाए। अब ऐसे में अब बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है टाटा आईपीएल 25 के मेगा ऑक्शन से। जहां दोस्तों बता दें कि पिछला वर्ष जो मिनी ऑक्शन हुआ था वह दुबई में हुआ था, उससे पहले इंडिया में हुआ था ऑक्शन, लेकिन इस बार यूरोप जाने वाला है मेगा ऑक्शन। जी हां दोस्तों, टाटा आईपीएल 25 का मेगा ऑक्शन ना ही दुबई में होगा, ना ही इंडिया में होगा, बल्कि लंदन में होगा। जी हां दोस्तों, यह बेहद ही बड़ी अपडेट जो कई न्यूज़पेपर ने कवर किया है। और बता दें कि जो यह मेगा ऑक्शन होगा वह लंदन के हाइड पार्क में हो सकता है, और इस बार का मेगा ऑक्शन एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, तीन दिन चल सकता है, क्योंकि टीम की संख्या भी बढ़ चुकी है और बेहद ही ज्यादा खिलाड़ी भी रहने वाले हैं मेगा ऑक्शन में। और वहीं बता दें कि रिटेंशन के लेकर भी अपडेट आई है। जी हां दोस्तों, बीसीसीआई क्लियर कर चुका है 4 से ज्यादा खिलाड़ी को वह कोई भी टीम को रिटेन नहीं करने देगा। मैक्सिमम 4 खिलाड़ी को रिटेन कर सकते हैं, इनमें 2 विदेशी और 2 इंडियन खिलाड़ी भी हो सकते हैं। और वहीं बता दें कि आरटीएम कार्ड को लेकर अभी भी पेच फंस रही है। कोई टीम कह रही है कि सिर्फ 1 आरटीएम कार्ड रहना चाहिए, जबकि कई टीम का मानना है कि 2 आरटीएम कार्ड रहना चाहिए। इस पर अभी अंतिम फैसला आने वाला है, लेकिन बता दें कि जो मेगा ऑक्शन का डेट है वह भी क्लियर हो चुका है। जी हां दोस्तों, दिसंबर के 2रे या फिर 3रे सप्ताह में हो सकता है। तो दोस्तों, बेहद ही ज्यादा एक्साइटमेंट है मेगा ऑक्शन को लेकर। आपका क्या राय है मेगा ऑक्शन को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।